तो मैंने अभी रिसेंटली ओप्पो एन को बड्स 2 टेस्ट किए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। और अब आ गए हमारे पास ओप्पो एन को एयर 3। ये है लेटेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स जो इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, बजट में आते हैं और काफ़ी सॉलिड स्पेक शीट के साथ आते हैं। तो इस वीडियो में इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे क्या ये सच में खरीदने लायक है कि नहीं। अब एक बार स्पेक्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं। ये आते हैं ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ। 6 घंटे की बैटरी मिल जाती है विदाउट केस, 25 घंटे की बैटरी विद केस मिल जाएगी। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, IP54 रेटिंग और 13.4 mm के ड्राइवर्स। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि डिब्बे में क्या मिलता है। तो ज़्यादा कुछ बॉक्स में एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, सिर्फ ईयरबड्स आते हैं चार्जिंग केस में और ये कुछ मैनुअल्स मिल जाता है, अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, चार्जिंग केबल भी नहीं मिलता है। और डिज़ाइन की बात करें तो मुझे देखते ही बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन लगा। ये यूजुअल वायरलेस ईयरबड्स के थोड़ा हटके है। इसका डिज़ाइन देख के मुझे नथिंग ईयर स्टिक की याद आई थी जो सिमिलर ट्रांसपेरेंट से केस में आते हैं। तो इनका ये चार्जिंग केस ओवल शेप में आता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है और इजीली पॉकेट में स्लिप हो जाता है, तो आप ट्रैवल करने में अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो तो काफ़ी इजी रहेगा। और सबसे अच्छी बात, इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रिलायबल है। ऐसी टक सी आवाज़ आती है काफ़ी सेटिस्फाइंग से जब आप इसका केस का लिड खोलते हो। और यहाँ पे ट्रांसलूसेंट केस मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इवन यू कैन फ्लॉन्ट इट अराउंड जब भी आप कहीं इसको लेके जाओगे। चार्जिंग केस के बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है और लिड को ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइट दिखेगी जो इंडिकेट करती है कि अगर ईयरबड्स पेयरिंग मोड में है कि नहीं। सो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे इन ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लगा। इवन इसको देख के लगता नहीं है कि बजट वायरलेस ईयरबड्स है। और सबसे थॉटफुल फीचर इसमें दे रखा है, इसमें मैग्नेटिक पिंस है इसके स्टेम में, तो अगर आप कई बार अपने ईयरबड्स को विदाउट चार्जिंग केस रख देते हो तो आप इसको ऐसे अटैच करके रख सकते हो तो खोने का डर नहीं रहेगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। अब रही वियरिंग एक्सपीरियंस की बात तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, मतलब आपको ईयर टिप्स नहीं मिलेंगे, बट फिर भी इनका फिट काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी कंफर्टेबली ईयर में फिट होते हैं। इवन आप लॉन्ग आवर्स के लिए इसको पहनोगे तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो ये सबसे अच्छा सॉलिड पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात, इसमें IP54 रेटिंग भी मिल जाती है जो आजकल बजट वायरलेस ईयरबड्स में काफ़ी कॉमन फीचर हो गया है। सो डिज़ाइन तो मुझे अच्छा लगा लेकिन इसका साउंड क्वालिटी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। ये आते हैं DSP के साथ, आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलेगा। और इस फीचर से भी ओप्पो ये क्लेम करता है कि जितनी भी बैकग्राउंड अनवांटेड नॉइस होगी और एको होगा वो रिमूव हो जाएगा। बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जब मैंने टेस्ट किया तो आउटडोर सेटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइस सुनाई पड़ती है, सॉन्ग सुनने में इतने मज़े नहीं आते आउटडोर सेटिंग में, क्योंकि जितनी भी अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइज है वो आराम से एंटर हो जाती है क्योंकि ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट आप इंडोर सेटिंग में गाने सुनोगे तो आपको काफ़ी रिफाइंड क्लियर साउंड लगेगा। आउटडोर सेटिंग में आपको ज़रूर लगेगा कि वॉल्यूम कम है, बट इंडोर इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छा डिसेंट साउंड क्वालिटी आता है। सॉन्ग सुनते टाइम काफ़ी रिफाइंड और क्लियर साउंड क्वालिटी आती है, वोकल्स बेस काफ़ी क्लियर सुनाई पड़ते हैं, इवन फुल वॉल्यूम में मज़े आते हैं सॉन्ग सुनने में। मैंने डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज का म्यूज़िक सुन के देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी। रही साउंड क्वालिटी की बात कॉल्स के टाइम, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। रिसीवर को काफ़ी क्लियर साउंड आता है और मुझे कोई भी इशू नहीं फेस हुआ जब भी मैंने कॉल्स अटेंड करे या कॉल्स डायल करे अपने फ़ोन से। तो ईयरबड्स के डिज़ाइन और साउंड क्वालिटी के बारे में तो मैंने बता दिया, मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो काफ़ी रिलायबल लगे, मैंने कॉल्स अटेंड करे और इवन सॉन्ग चेंज किया, डबल टैप करोगे तो सॉन्ग चेंज हो जाता है, सिंगल टैप करोगे तो पॉज हो जाएगा, तो काफ़ी रिलायबल है। ओप्पो एन को सीरीज़ का यही सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें काफ़ी रिलायबल आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी मिल जाती है, और ओप्पो एन को एयर 3 में भी हमने वो देखने को मिलता है।
अब कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन ईयरबड्स को दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सपोज़ अगर आप लैपटॉप और फ़ोन दोनों में अपने ईयरबड्स को कनेक्ट रखना चाहते हो तो वो आराम से हो जाएंगे। आप जैसे ही ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालोगे तो वो पेयरिंग मोड में आ जाएंगे और ईजिली 5 मिनट लगेगा आपको इनको पेयर करने में। आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, बट विदाउट ऐप भी आपको ईजिली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्टिविटी में। ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो आपको 10 मीटर का रेंज मिल जाएगा, जो काफी रिलायबल है इस रेंज में। रही बैटरी की बात, तो ये ईयरबड्स आराम से 4-5 दिन चल जाते हैं विदाउट चार्जिंग केस। अगर आप विद चार्जिंग केस रखोगे तो आराम से 1 हफ्ता चल जाएगा नॉर्मल यूसेज में। इवन एक्सटेंसिव यूसेज में आराम से 5 डेज ये लास्ट करते हैं विद चार्जिंग केस। तो मुझे बैटरी भी काफी सॉलिड पॉइंट लगा। सो ओवरऑल ओप्पो एनको ईयर 3 काफ़ी डिसेंट है फॉर द प्राइस, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो सकता है, बट डिज़ाइन, बैटरी और कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड एस्पेक्ट हैं इसके। तो मैं इसको 7 out of 10 रेट करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे ओप्पो एनको ईयर 3 का डिज़ाइन। आप ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 2500 तक का है और आपको डिस्काउंट में ये मिल जाए तो और भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप फॉलोइंग फाइबर।